आपस में डिपेंडेंट नहीं है, दोनों में क्या रिलेशनशिप था? सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, यही फॉर्मूला लिखा था आपने। आर क्या लिखा था पहले आपने, आप फॉर्मूला देखो क्या लिखा था फॉर्मूला, डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई का क्या फॉर्मूला लिखा था, आर सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय। तो दोनों ही किस पे ऊपर डिपेंडेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई। दूसरा एक सेकेंड बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल भी कहते हैं, तभी टाइप ऑफ स्केल या टाइप ऑफ डाटा या डेटा एक ही चीज है। सो जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है उसमें क्या नंबर नहीं आ रहा, आ रहा है। नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटेटिव डेटा या क्वांटिटेटिव स्केल को। सो ये इंडिपेंडेंट नहीं है किसी स्केल से, समझ में आया, डिपेंडेंट है। ओरिजिन मतलब, ओरिजिन ओरिजिन का मतलब लिटरेचर में क्या होता है, व्हाट इज ओरिजिन मीन, शुरुआत। तो आप इसकी रेंज, अगर आप रेंज कह लो, रेंज अगर आप कहीं से कहोगे तो वहाँ पे आपने रेफरेंस किससे शुरू कर रहे हो, जीरो। तो जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिन को। रेफरेंस, ओरिजिन का मतलब यहाँ पे क्या है, रेफरेंस है। जैसे कल आप प्रोबेबिलिटी वाला करोगे, तो प्रोबेबिलिटी में जब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो आप उसमें ओरिजिन या रेफरेंस किसको मानोगे, या तो जीरो को मानोगे या मीन को मानोगे। सभी को समझ में आया, तो यहाँ पे ओरिजिन का मतलब क्या है, रेफरेंस। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ, क्या आंसर है, ये रिसेंटली अभी आया था, सभी का समझ में आया, किसको नहीं आया, कोई है जिसको नहीं आया तो रेज योर हैंड, सभी को आ गया। टेंथ क्वेश्चन क्या आया, ए, ये तो बहुत आसान है, 0.3।